प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि आप सभी को 11th क्लास से प्रमोट कर दिया गया है, जिसके लिए अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस श्याम एजुकेशन ग्रुप की ओर से स्टार्ट की गई है। तो बच्चों, उसी क्रम में कल हमने लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि वेक्टर क्या होता है और कितने टाइप का होता है, और बच्चों कल हम लास्ट में हमने जो टॉपिक वहाँ पे एंड किया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, तो किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उससे रिलेटेड और क्या क्या जानकारी है बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखिए आगे, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कार्टेशियन प्लेन में वेक्टर कैसे हम दर्शा सकते हैं, उन सब पे आज हमारी चर्चा रहेगी। तो बच्चों सबसे पहले जो कल मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। तो बच्चों कल सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि भाई वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर, तो सिंपल से मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई है कि जो वैल्यूज जिनको हमें दर्शाने के लिए या डिनोट करने के लिए उनकी डायरेक्शन यानी दिशा और मैग्नीट्यूड अर्थात उनके परिमाण की जरूरत पड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेक्टर। लेकिन मैंने कहा था यह डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर एक चीज और हमें ऐड करनी पड़ेगी, वो ये कि जो लॉ ऑफ एडिशन यानी जो योग के नियम को संतुष्ट करते हैं वो वेक्टर होते हैं। अब आप में से हो सकता है कि कईयों के दिमाग में ये आए कि लॉ ऑफ एडिशन यानी जो योग का नियम है वो फॉलो करना क्यों जरूरी है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी पहले चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ। तो चलो ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई गाड़ी है, ये कोई गाड़ी है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F1, इसके ऊपर एक फोर्स क्या लग रहा है F1, और एक फोर्स यहां से मैं लगा रहा हूं F2, और इन दोनों के बीच एंगल है थीटा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है आपको, ठीक है, बिना किसी बर्डन के एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, जिससे आपके वेक्टर से रिलेटेड एक एक जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको आप देखो, मान लीजिए भी F1 फोर्स तो इस पर ऐसे डायरेक्टली इस डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में हम गाड़ी को ले जाना चाहते हैं, और F2 फोर्स है वो इसके ऊपर किसी एंगल थीटा के साथ आ रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि जैसे जैसे इस थीटा की मैं वैल्यू चेंज करूँगा, जैसे जैसे इस थीटा की वैल्यू चेंज करूँगा, इस गाड़ी के ऊपर जो टोटल फोर्स है उस पर इफेक्ट होगा या नहीं होगा, समझने की कोशिश कीजिए आराम से बच्चों, इस कंसेप्ट को समझिए कि मान लीजिए अगर मैं F1 इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ और F2 इसके ऊपर थीटा एंगल पे है, तो अब आप ये देखिए कि जैसे जैसे, अब देखो इस मार्कर को देखो आप, कि जैसे जैसे अगर मान लीजिए ये 0 डिग्री के एंगल पे होगा F2 इसी डायरेक्शन जीरो एंगल पे हो, तो फोर्स की वैल्यू और ऐसे फोर्स की वैल्यू में बच्चों डिफरेंस होगा या नहीं होगा। जैसे मान लिया मैं किसी गाड़ी को यहाँ से धक्का दे रहा हूँ, अब मान लो कोई ऊपर से एकदम 90 डिग्री के एंगल से यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, तो ये मेरा फोर्स कम होगा या ज़्यादा होगा, मेरा फोर्स क्या हो जाएगा भाई, गाड़ी पे कम हो जाएगा। रीज़न क्या है, क्यों उस मैं इधर पुश कर रहा हूँ उसको गाड़ी को, और उसके ऊपर प्रेशर और बढ़ गया, तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो इस वजह से इस ये फोर्स है ये थोड़ा कम लगेगा। अब बात समझ आई कि मैंने जो लॉ ऑफ एडिशन क्यों कहा था, कि यहाँ पे एंगल पे ये डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर एंगल 0 डिग्री है तो ये ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे जो एंगल है इनके बीच का वो इंक्रीज करता हूँ तो ये वैल्यू जो F1 का जो फोर्स लग रहा है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और बच्चों कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा था जो करंट है आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो वेक्टर नहीं है। अब क्यों, रीजन देखो इसका, जैसे मान लीजिए ये 2 वायर हैं, यहाँ से ऐड होके यहाँ पे करंट आ रहा है, यहाँ से मान लो 4 एम्पियर है, यहाँ से 3 एम्पियर है, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 7 एम्पियर आ जाएगा।
अब इनके बीच के एंगल पे डिपेंड करता है क्या? अब ये वायर चाहिए आप यहाँ से ले आओ, यहाँ से ले आओ, यहाँ से ले आओ, चाहे यहाँ से ले आओ, यानी थीटा कितना भी हो, इससे इस वैल्यूज पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या पता चल जाता है कि वेक्टर के जो मैंने आपको कल डेफिनेशन बताई थी वो आपको स्पेशली याद रखनी है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड लॉ ऑफ एडिशन, यानी जो सदिशों के योग का नियम है वो फॉलो करे तो उसे हम क्या बोल देते हैं बच्चों, वेक्टर। इतनी बात क्लियर हुई। अब बच्चों हम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं 2D में और फिर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे हम 3D में। तो देखिए तो मान लीजिए बच्चों आपकी ये जो 2D ज्यामिट्री है x माइनस एक्स एंड y और ये माइनस y, ओके, और ये पॉइंट बच्चों हमने ले लिया आपका O, ठीक है यहाँ तक। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई पॉइंट P ले लेता हूँ और उसको मैंने क्या किया, O से जॉइंट कर दिया, और इसकी जो डायरेक्शन यानी जो दिशा है वो O से P की ओर है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये डायरेक्शन जरूरी है क्योंकि आपका जो आपको मैंने कल बताया था कि अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो उसके आगे एक नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है, और उसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। तो मान लीजिए बच्चों इससे मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यानी एक लंब डाल दिया, और ये डिस्टेंस मान ली मैंने एक्सिस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, और एक इसी टाइप से इसके ऊपर भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको मान लिया बी और इसको मैंने क्या नाम दे दिया y। तो बच्चों देखो चूंकि एक परपेंडिकुलर शेप में है और ये रेक्टेंगल बन रहा है आपको दिखाई दे रहा है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी y, ठीक है। और आपको मैंने कल बताया था, कल आपको एक मैंने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बताई थी, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अर्थात जिसका परिमाण एक हो वो क्या होता है बच्चों, आपका यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश या मात्रक सदिश उसे बोला जाता है। तो मैंने आपको कल ये बताया था कि जो एक्स एक्स के अकॉर्डिंग यानी एक्स एक्स की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम क्या मानते हैं, आई कैप, और जो वाई एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है उसे हम क्या मानते हैं, जे कैप। किसी बच्चे के दिमाग में आता है कि सर आई कैप जे कैप की ज़रूरत क्यों है, तो बच्चों मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको ये कहा था, जैसे मैंने बोल दिया ओरिजिन से यानी जो आपका मूल बिंदु है उससे 2 यूनिट डिस्टेंस पर आप कोई पॉइंट लीजिए, कोई बिंदु लीजिए 2 इकाई दूरी पर। अब वो एक्स पे भी लेना है, चलो मैंने ये भी बोल दिया एक्स पे, लेकिन कौन सी एक्स पे, कन्फ्यूजन है। लेकिन यदि इसके साथ मान लो मैं 2i कैप लगा देता हूँ तो आपको पता चल गया नहीं चल गया कि वो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, यानी जो आई कैप जे कैप उसकी डायरेक्शन बताते हैं आपको, ठीक है, इसलिए इनको लगाना जरूरी होता है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए जो ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोमा वाई। तो बच्चों ओपी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, ये इस डायरेक्शन में देखिए एक्स एक्स पे जो इससे परपेंडिकुलर है वो कितने डिस्टेंस पे आ रहे हैं, एक्स डिस्टेंस पे, तो इसको लिखा जाएगा एक्स, और वाई एक्स के अकॉर्डिंग ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वाई, तो इसको क्या लिखा जाएगा, वाई जे कैप। तो बच्चों ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, बस समझ आई। यानी सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कोई भी वेक्टर हो उसको, सॉरी कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यदि मान लीजिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट O है और एंड पॉइंट P है, तो हमने क्या किया इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया दोनों अक्षों पे, और 3D स्पेस में हम तीनों अक्षों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं,
उसके बाद इन डिस्टेंस को लिया जो एक्स एक्स के अकॉर्डिंग है उसके साथ आई कैप लगा दो, वाई एक्स के अकॉर्डिंग है उसके साथ जे कैप लगा दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि ये मान लिया जाता कि पी के कोऑर्डिनेट है 2.3, पी के कोऑर्डिनेट कितने 2.3, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाती 2 और ये कितनी हो जाती 3। तो अब ओपी यहाँ पे वेक्टर हो जाता 2ik+3jk। इतनी बात समझ आई है नहीं बच्चों? आराम से देखिए, एक एक टॉपिक को एक एक कंसेप्ट को आपको कवर करना है, क्योंकि यदि आपका बेसिकली कंसेप्ट कवर रहता है ना तो आप ये मान के चलिए इसके क्वेश्चन है वो बच्चों बहुत ज़्यादा ईजी हैं, आपको कोई भी टाइप से कोई तरीके का डाउट नहीं होगा। इतनी बात समझ आ गई होगी? तो बच्चों ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। लेकिन कल की ही थोड़ी सी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। बच्चों कल अगर आपको याद हो तो मैं बार बार में एक जिक्र कर रहा था कि मैग्नीट्यूड, पिछले लेक्चर में मैं बार बार में ये जिक्र कर रहा था भाई मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड क्या होता है या वेक्टर के वो मैं वो फाइंड आउट कैसे किया जाएगा, तो वो देखिए। बच्चों देखिए जो ट्राइंगल या त्रिभुज ओ ए पी, मैंने ट्राइंगल ओ ए पी ले लिया, कौन सा ट्राइंगल लिया बच्चों मैंने, ट्राइंगल ओ ए पी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में भाई बताओ एंगल ए 90 डिग्री का है, इससे एक चीज़ तो कवर हो गई, ये 90 डिग्री होने से ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट ट्राइंगल, अर्थात हिंदी में आप इसको क्या बोलोगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और आप जानते हो ये हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण है, और जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या हिंदी में आप क्या कह सकते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस है लंब स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओ पी, ऐसा लिखा जाएगा बच्चों इसको, ओ पी स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस से। मतलब जब बात मैग्नीट्यूड की आती है उस वक्त डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या है, जैसे मैं आपको ये बोलूं ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ए और बी के बीच की दूरी, अगर तो आप ए से लेकर बी तक आ जाओ या बी से लेकर ए तक आ जाओ, मैंने तो सिर्फ डिस्टेंस पूछे, मैंने ये थोड़ी ना पूछा भाई ए से बी की ओर गई तब दूरी क्या है, भाई डिस्टेंस है, अगर मैं सिर्फ डिस्टेंस यानी जो दूरी पे फोकस रखूं तो ए से लेकर बी तक आओ चाहे बी से लेकर ए तक आओ, दूरी तो चेंज नहीं होगी दोनों के बीच की, तो बस यही रीजन है। तो ओपी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को यानी जो मैग्नीट्यूड है इसको ओपी डायरेक्टली लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो आप या फिर डायरेक्टली ओपी भी लिखा जा सकता है। तो बताइए बच्चों इतनी बात समझ आई या नहीं आई, एक बार आराम से देखिए इसको भी, हमने क्या क्या चर्चा की है, हमने ये पढ़ा कि जो वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको 2D स्पेस में कैसे दर्शाया जाएगा, तो क्या किया P से एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों पे एक एक परपेंडिकुलर अर्थात लंब डाल दिए, ये डिस्टेंस x है ये y है, तो एक्स एक्स के अकॉर्डिंग जो यूनिट वेक्टर यानी जो आपका इकाई सदिश होता है वो होता है आई केप, और इसके अकॉर्डिंग जो यूनिट वेक्टर इकाई सदिश होता है वो होता है जे केप, तो ये बन जाएगा एक्स आई केप और ये बन जाएगा वाई जी के। तो ये होता है बच्चों इसका रिप्रेजेंटेशन, और इसका जो मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण है वो निकलता कैसे है तो वो आप देख सकते हो। तो यानी अब आपको एक बात याद रखनी है कि जब कोई भी वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में हो तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों स्पेशली याद रखोगे जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि मैग्नीट्यूड डिस्टेंस यानी दूरी को बता रहे हैं और वो भी सीधी दूरी, ये नहीं है भैया आप मैंने डिस्टेंस बोल दिया ए और बी के बीच की तो आप कह दो सर ऐसे आ गए हम, डिस्टेंस डायरेक्टली, ठीक है स्ट्रेट लाइन जो उन दोनों को मिलाने पर बनेगी उसकी लेंथ है, ये नहीं है। ऐसे तो बच्चों आप दो बिंदुओं को मिलाने के बहुत सारे मेथड हैं, जो मिनिमम डिस्टेंस है यहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस है वो काउंट हो रही है, मिनिमम एक स्ट्रेट लाइन होगी वैसे तो इसकी कोई डिस्टेंस का कोई एंड ही नहीं है, कैसे ही मिला लो इनको, ठीक है बच्चों इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो इसी से रिलेटेड थोड़ी सी और जानकारी देखिए, अब मान लीजिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो अपने साफ कर देता हूँ,
अब देखिए स्टूडेंट, हम इसको आगे और बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपको ए वेक्टर कोई दिया हुआ आ जाए इस फॉर्म में, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कुछ ऐसा। तो अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे ए कैट, यानी जब आपको कोई वेक्टर देकर उसका यूनिट वेक्टर पूछ लिया जाए या ये बोल दिया जाए कि उसका इकाई सदिश क्या होगा, तो कैसे ज्ञात करोगे? बस समझ आई भी मेरा क्वेश्चन क्या है? कई बार ऐसा एक नंबर का या वन मार्क का क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन मतलब बहुत सिंपल है कि सिर्फ क्या दिया हुआ होगा आपको, एक वेक्टर देकर ये पूछ लेंगे कि उसका यूनिट वेक्टर या उसका उसकी डायरेक्शन में का दर वेक्टर बनाइए। तो हम उस टॉपिक के ऊपर भी आएंगे। देखिए तो एक एप के बच्चों जो डिफिनेशन की, तो जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये होगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो इसकी एक डेफिनेशन और बन जाती है यूनिट वेक्टर की, कि यदि किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग दे दिया जाए तो जो भी वेक्टर आपको मिलेगा वो क्या होगा? उसका इकाई सदिश होगा। इंग्लिश में आप ये कह सकते हो कि जब किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से जब आप डिवाइड करोगे तब जो नया वेक्टर आपके पास आएगा वो उसके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ गई होगी कि आप क्या करते हो कि किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से जब आप डिवाइड कर देते हो तब आपके पास जो नया वेक्टर आएगा वो क्या होगा? उसका यूनिट वेक्टर। अब बच्चों ये ठीक है, और इससे यहाँ पे एक रूल और भी बन जाता है, लेकिन पहले इस कंसेप्ट को समझिए आप। तो इसको क्या लिखा जाएगा? एक्स आई प्लस वाई जे डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको ऐसे लिख दीजिए, इनको एक बार अलग अलग कर दीजिए। अब हो सकता है आप में से किसी के माइंड में ये डाउट आए कि भाई ये यूनिट वेक्टर कैसे होगा, तो आपको मैग्नीट्यूड के ऊपर आओ एक बार। भाई मैग्नीट्यूड से देखो आपको सीधा क्या पता चल रहा है कि अगर एक्स आई केप वाई जे केप है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो एक केप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट के अंदर x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एलसीएम क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वन, तो कितना आ जाएगा? वन। ये बच्चों इसका प्रूफ मान लो आप, इसको आप प्रूफ हो, ये हो जाएगा। ठीक है, बस समझ आई या नहीं आई? कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, यानी मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया है कि ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि कोई भी वेक्टर हो उसका जो यूनिट वेक्टर या अर्थात उसका जो इकाई सदिश है वो कैसे निकाला जाएगा, तो उसका फॉर्मूला होता है कि यदि किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग दे दिया जाए, यानी कोई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से जब आप डिवाइड कर देते हो तब वो उसके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई। हो सकता है किसी के माइंड में ये डाउट आ जाए कि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, तो इसका प्रूफ ये रहा। क्यों बच्चों, यहाँ से एक बात और हम देखें, तो क्या इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता क्या? मान लीजिए ए कैप को कुछ ऐसा लिखा जा सकता है क्या? थोड़ा सा दिमाग लगा कर इस बात पे आइए एक बार, क्योंकि कई बार बच्चों इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है, इसका यूज कर सकते हैं हम, बहुत हेल्प होती है। तो क्या ए कैप को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, थोड़ा सा सोचिए, देखिए कि समझ में आता है क्या। क्या ए कैप को
कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? बच्चों तो समझ आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। मैंने जो भी डायग्राम बनाए थे एक बार वापस बनाता हूँ, आपके समझ आ जाएगा। देखिए ध्यान से, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। तो मान लो मैंने भी ये ओ पॉइंट लिया, यहाँ पे पी पॉइंट लिया, ये एक्स, ये वाई, देन ये थीटा, और ये डिस्टेंस क्या ही है, कुछ ऐसा ही है। तो एक है बच्चों, हमने बनाया है कुछ इस फॉर्म में, तो आप ट्रिग्नोमेट्री पे आइए, जो आप 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास में पढ़ चुके हो। साइन थीटा क्या होता है? जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो कहते हैं लंब बटे कर्ण, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अर्थात इसका लंब वाई, हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण क्या है। तो साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है और कोस थीटा को फिर ये लिखा जा सकता है। अब तो ये बात समझ आ गई होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे कर्ण, ठीक है। और इन दोनों को इससे कंपेयर कीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा, ये थीटा एंगल यहाँ वाला है, बस ये याद रखोगे। मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा क्योंकि आप देख सकते हो रूट के अंदर, यदि मैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखता हूँ तो ये कितना होता है, वन होता है, इसका रूट भी वन होता है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब बताइए यूनिट वेक्टर या इसके जो रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई डाउट है क्या आपको? अब बच्चों इसके अंदर में 3D स्पेस के अंदर इसको डिस्कस कर लेते हैं आज के लेक्चर में। तो देखिए आगे, तो 3D स्पेस का पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये O, ये X, ये Y, सॉरी यहाँ पे Z ले लेते हैं एक बार, और ये इस पॉइंट पे फोकस कीजिए, इस पॉइंट को बच्चों मैं यहाँ पे P ले रहा हूँ, बस समझ आ गई होगी। मैंने P इस पॉइंट को लिया है, तो अब आप देख सकते हो, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आप इस डेस्टर को देखो एक बार, ये डेस्टर मान लो अगर मैं बोर्ड पे ऐसे रखता हूँ तो इसका जो ये कॉर्नर है वो P है, और ये नीचे वाला कॉर्नर है, ये नीचे वाला वो क्या है, O, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। हाँ, इससे एकदम मैच नहीं कर रहा अभी, क्योंकि ये एक क्यूबॉइड है और ये मैंने क्यूब बनाया एक, हो सकता है आपको लगे, लेकिन एक बार सिर्फ समझने के लिए अगर यदि मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो P पॉइंट यहाँ वाला है। अब इसकी ये डिस्टेंस भी है, ये भी है और ये है, तीनों है। तो इससे यहाँ जो परपेंडिकुलर है कौन सी एक्स पे, वो ये पॉइंट होगा, तो ये परपेंडिकुलर तो हो गया आपका वाई एक्स पे, ठीक है। ऐसे रखा हुआ है, ये वाई एक्स पे, ये एक्स एक्स पे, और ये जेड एक्स पे डिस्टेंस आएगी, जो ये डिस्टेंस है। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये कुछ ऐसे है। तो पी के अगर मैं कोऑर्डिनेट मान लूँ एक्स वाई जेड, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा ओपी वेक्टर वो हो जाएगा एक्स आई केप वाई जे केप जेड के, क्योंकि जेड एक्स के अकॉर्डिंग जो आपका यूनिट वेक्टर होता है वो होता है के कैप, आई कैप एंड जे कैप, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड जो ओपी कैप होगा वो हो जाएगा एक्स अपॉन आई कैप प्लस वाई अपॉन
जी कैप प्लस जेड अपॉन कुछ ऐसा, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यहाँ पे डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस क्यों होती है, और 2D के अंदर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, और 3D के अंदर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा और क्या होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। तो बच्चों इतना आपको कवर करना है, साथ साथ एक एक कंसेप्ट को क्लियर रखना है। और बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर के जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे लॉ ऑफ एडिशन है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, और वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट है, जितने भी अदर कॉन्सेप्ट है, वो सारे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम कवर करेंगे। तब तक के लिए इतने टॉपिक को तैयार कीजिए। टेक केयर, धन्यवाद।